नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कानून है, जहां की सर्किट हाउस में भी हिस्ट्री सीटर बदमाशों के लिए बुकिंग की जाती है, वो भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के एक दिन पूर्व। अजब है शिवराज और गजब है यहां के कानून। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा में और रोजगार सम्मेलन के नाम पर मुख्यमंत्री के आगमन के एक दिन पूर्व और राजनिवास में कमरा नंबर 4 हिस्ट्री सीटर बदमाश विनोद पांडे के नाम बुक कर दिया जाता है और वहां पर प्रतिष्ठित व्यापारी समदड़िया बिल्डर के द्वारा बुलाया गया बलात्कारी बाबा एक नाबालिग कन्या के साथ बलात्कार का घिनौना कृत्य करता है और फरार हो जाता है। समदड़िया गोल्ड का शुभारंभ करने आए बलात्कारी बाबा सीताराम आखिर सर्किट हाउस में कैसे और किसके इशारों पर रुका, ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ताक पर रखकर हिस्ट्री सीटर बदमाश विनोद पांडे के नाम पर राजनिवास का कमरा बुक होना गले के नीचे नहीं उतरता। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है, फिर भी ये घटना घटी। आखिर ऐसे अपराधियों का सरपरस्त नेता कौन है? मुख्यमंत्री को ऐसे बदमाशों से कोई खतरा नहीं? ये रीवा के भाजपा कद्दावर नेता इनके संरक्षक और सरपरस्त हैं, ये बड़ा सवाल है। सूत्रों की माने तो सर्किट हाउस में जिस कमरे में बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया, वो रीवा के प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल सिंह के नाम पर बुक था। लेकिन ऐसा कांड होने के बाद जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और जल्दबाजी में उसे हिस्ट्री सीटर बदमाश के नाम पर बुक कर दिया गया। अब इसका उत्तर तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ही दे पाएंगे कि क्या सर्किट हाउस में हिस्ट्री सीटर बदमाश भी ठहरते हैं, वो भी मुख्यमंत्री दौरे के एक दिन पूर्व। हम आपको बता दें कि राजनीति और जिले के अपराधियों की किस तरह से साठगांठ होता है, तो जान लीजिए दुष्कर्म में सहयोगी विनोद पांडे के खिलाफ आधा सैकड़ा आपराधिक मामले दर्ज हैं। विनोद पांडे सबसे ज्यादा चर्चा में तब रहा जब अपने गुरु संजय त्रिपाठी के साथ मिलकर रसराज होटल के मालिकों की हत्या कर दी और सलाखों के पीछे दोनों व्यक्तियों ने साथ साथ सजा काट ली। आज राजनीतिक गंदगी का सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया कि एक हत्या, दुष्कर्म, मारपीट जैसे आरोपी को राजनिवास में एक तरफ जहां आश्रय मिलता है, तो वहीं इन्हीं के सहयोगी रहे संजय त्रिपाठी इनके स्वागत के लिए होर्डिंग लगवाते हैं। हद तो तब हो गई कि प्रदेश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, SP के साथ ऐसे अपराधी फोटो खिंचवाकर जनता पर दबाव बनाते हैं। ऐसे अपराधियों को न्यायालय से जमानत मिली हुई है, जिनके जमानत के कागजात भी इनके पास नहीं है। हाई कोर्ट से फाइलें गोल करवा दी गई हैं। आज उन्हीं अपराधियों के द्वारा जिले की बेटी के साथ इतना घृणित कार्य किया गया। राज 24 पहले भी आवाज उठाता रहा है, ऐसे अपराधियों की जगह नेताओं के पीछे नहीं बल्कि सलाखों के पीछे है। लेकिन प्रशासन सत्ता के दबाव और वोट की राजनीति के चलते इन्हें खुला संरक्षण देता रहा और अपने साथ फोटो खिंचवा कर जनता का शोषण करने के लिए खुली छूट दे रखी थी। अगर शिवराज सिंह चौहान वाकई अपने आप को बुलडोजर मुख्यमंत्री घोषित करना चाहते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि बुलडोजर विनोद पांडे के घर में नहीं बल्कि विनोद पांडे जैसे अपराधियों को संरक्षण देने वाले इनके आकाओं पर होनी चाहिए, जिनके साथ ये जेल की सजा काटे, जिनके छत्रछाया में इतना बड़ा अपराधी बना। खासकर उन राजनीतिक संरक्षण देने वालों के घरों में भी बुलडोजर चलनी चाहिए, जिनके साथ इनकी फोटो खिंचवा कर ये अपराधी आज समाज में अपनी दहशत फैलाकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से राजनिवास में ये घृणित कार्य हुआ, उसमें विनोद पांडे, संदरिया बिल्डर के यहाँ का प्रशासन, विनोद पांडे के गुरु संजय त्रिपाठी और सत्ताधारी दल भी उस बेटी के कसूरवार हैं, जिसकी आबरू लूटी गई है। ये बहुत शर्मनाक मामला है। एक महंत के द्वारा ऐसा कृत्य किया जा रहा है। हाँ, विश्वास उठता जा रहा है महंतों से, जनता का। तो हमारे रीवा का सर्किट हाउस राजविलास बुक होता है, तो ये आम आदमियों के लिए नहीं है। अब इसमें जो ये तीसरा व्यक्ति विनोद पांडे है, ये कौन है, ये कहाँ से आया, और ये इतना बड़ा अपराधी है, दर्जनों का नहीं सैकड़ों का अपराध इसके पंजीबद्ध हैं, फिर भी इसको सर्किट हाउस बुक होता है। इसमें कौन से बुक करने वाले अधिकारी हैं, इसको किसने दिया? उस लड़की को सुरक्षा भी दी जाए, क्योंकि वो अपराधी ऐसा है कि अगर लड़की को सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो कल उस पर हमला भी बोल सकता है। देखिए, सबसे पहले तो इससे खराब दिन, इससे बुरे दिन हो नहीं सकते इस रीवा के लिए और रीवा की जो शुचिता थी राजनिवास सर्किट हाउस उसके लिए। सर्किट हाउस हमारी एक पहचान थी, उसमें मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता रुका करते थे।
कमरा किसके इशारे से बुक हुआ? निश्चित तौर पे कमरा सत्ताधारी जो लोग हैं, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के इशारे से बुक हुआ होगा, या तो गिरीश गौतम जी के इशारे से बुक हुआ होगा, या तो उनके सांसद विधायकों के इशारे से बुक हुआ होगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ जोर दे के कि ये इनके इशारे से बुक ना हुआ होगा तो रीवा का जो SDM और रीवा के कलेक्टर हैं वो तो आम आदमियों को कमरा देते नहीं। अपन जैसे कोई बड़ा पदाधिकारी आए और बोले कि इनके नाम पे कमरा बुक कर दो तो कहते हैं सारे बुक हैं। अब समझ में आया कि ये कमरा क्यों बुक रहते थे और वहाँ पे ये क्या काम करते थे। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं कि मैं तो कपड़ों से पहचान जाता हूँ कि अपराधी कैसे हैं। भगवा रंग जो हमारे शिवाजी का प्रतीक था, एक हमारे शान और शौर्य का प्रतीक था, उस भगवा रंग को कलंकित करने का काम भाजपा से जुड़े हुए लोग ही क्यों करते हैं? और नरेंद्र मोदी जी ऐसे अपराधियों को पहचाने जो भगवा रंग को कलंकित कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। एक तरफ ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, यही बेटी इनका यही इसी प्रकार से बेटी बचेंगी। तो इनके कथनी और करनी में अंतर है। शिवराज जी बोलते कुछ हैं, मैं कहता हूँ कि उसकी फ़ोटो SP के साथ है, गृह मंत्री के साथ है, विधानसभा अध्यक्ष के साथ है, कलेक्टर के साथ है। वो सबको अपराधी जो है वही सबको आशीर्वाद दे रहा था, इसी प्रकार का वो आशीर्वाद दे रहा था, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? और शिवराज सिंह चौहान को इस रीवा की धरती को कलंकित नहीं करना चाहिए। जब तक अपराधी ना पकड़ा जाए तो उनको आ किस उद्देश्य से रहे हैं? उनको ऐसे अप ग्राउंड जाने से पहले वो सर्किट हाउस जाएँ, सर्किट हाउस जा करके उस पहले बेटी से मिले। क्या वो बेटी उनके उनकी भांजी नहीं है जिसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी? 3 दिन से अपराधी राजनिवास में रह रहा है, शहर में स्वागत के अपराधियों के होल्डर पोस्टर लगवाए गए हैं स्वागत में, क्या मानते हैं यही बुलडोजर है, इसी इन्हीं के सहारे? देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जिस प्रकार से ये अपराधियों के बैनर पोस्टर रीवा से सजाए गए, इनके पीछे कौन है? जब तक ये जनता नहीं जानेगी कि इनके पीछे कौन है, अपराध करते हैं और ये यहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि उनकी वो SP के साथ तालमेल है उनका, उनको सुरक्षा दिए हुए हैं। अपराधियों के नाम कमरे कैसे बुक हो जाते हैं? तो इनके पीछे तो देखिए ऐसा है, ये भाजपा का असली चाल चरित चेहरा यही है और इससे ज़्यादा दुष्कृत घटित निंदनीय काम हो नहीं सकता। ये रीवा और बिंध को कलंकित किया गया है। मैं तो यही कहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान जी, आप रीवा तब तक मत आओ जब तक ऐसे अपराधी जेल में न चले जाएं। महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़ करने वालों को अगर सजा नहीं दी जाती तो जनता का विश्वास सरकार से उठ जाएगा। क्या यही चाल चरित्र और चेहरा है? कुछ समय पहले ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाली महिला को प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित करने वाला कोई और नहीं बल्कि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला का खास महिला का पति मोहित टंडन था। आए दिन सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले सामने आते हैं जिसमें कई बार ऐसे नेताओं के साथ जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि ऐसे अपराधी नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं, इनका चरण वंदन करते हैं और नेताजी इन्हें आशीर्वाद के स्वरूप इस तरह से घृणित कार्य करने के लिए आशीर्वाद देते हैं। अगर पुलिस प्रशासन को ईमानदारी के साथ खाई गई शपथ का तनिक भी जज्बा है तो बुलडोजर चलाने की आवश्यकता उन राजनैतिक सामाजिक मुखौटा उड़े ऐसे अपराधियों के ऊपर चलाने की है जो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को प्रदेश की बेटियों के मामा कहलाते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के स्थानीय नेता अपराधियों को संरक्षण देकर उन्हीं की भांजियों के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। घिन आती है ऐसे राजनीतिज्ञ से, घृणा आती है ऐसे प्रशासनिक अमले से जो खुलेआम अपराधियों को संरक्षण देता है और निर्दोषों को अपराधी बनाता है। आइए सुनते हैं एक और युवा को जिसने इस घृणित कार्य का किस तरह से विरोध किया है। आज शिवराज सिंह का रीवा आगमन हो रहा, शिवराज सिंह जी और पूरी भाजपा यह नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण एक दिन पहले आपको देखने को मिला है कि इनकी मंशा क्या है। रीवा सर्किट हाउस में, राजनिवास में जिस तरीके से एक महात्मा एक नाबालिग लड़की का बलात्कार करता है, इस पर उसके महात्मा की फ़ोटो पूरे जिला प्रशासन नेताओं के, भाजपा नेताओं के साथ, सबके साथ उसकी फ़ोटो है, सब आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि यह सभी संदेह के दायरे में है और शिवराज सिंह क्या मुंह लेकर रीवा आएंगे? सर्वप्रथम तो उनको इस बात
पर ध्यान देना चाहिए कि आप रीवा आ रहे हो तो क्या बलात्कार करवाने आ रहे हो, इसमें आप किसको दोषी मानोगे। तो इन सब मुद्दों को, सबसे महत्वपूर्ण ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस पर ठोस कार्यवाही होनी चाहिए। देखिए, ये भाजपा के नेता और ख़ास करके प्रशासनिक लोग, ये सभी कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जिसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि एक सामान्य व्यक्ति के नाम से तो कमरा बुक होगा नहीं, वीआईपी कोटे से रूम बुक होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इन सबका संरक्षण प्राप्त है और इन सबकी सह है, मैं तो यही कहूँगा। आपका संगठन कुछ इसके खिलाफ आवाज़? देखिए, हम लोगों ने आज शिवराज सिंह जी को घेरने का प्लान करा है, पूरी हम लोगों की तैयारी है और हम लोग इसका जवाब शिवराज जी से लेंगे और पूरे ज़िले के से हमारे सभी युवा एकत्रित हो रहे हैं और हम सब, चाहे यह व्यापम का घोटाला हो, जिस तरीके से अभी कांस्टेबल परीक्षा में हमारे युवाओं को ठगा गया, जो फेल थे उनको पास किया गया, फिर रिजल्ट डिलीट कर दिया गया, तो ये जिस तरह का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, वैकेंसी नहीं आ रही, इसी तरह मुख्यमंत्री जी का ओएसडी अपने मोबाइल से पेपर बांट रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ ये पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी मुख्यमंत्री का ओएसडी लोगों को अपने मोबाइल से पेपर दे रहा। इसका तरीके से जोरदार विरोध करेंगे, इसकी लड़ाई हम लोग सड़कों पर लड़ने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से राजनिवास में घटना घटित हुई और पूरा प्रशासनिक अमला इसको दबाने में लगा रहा, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन इस पूरी घटना का दोषी हर व्यक्ति है जिसके तार आरोपी विनोद पांडे, दुष्कर्मी सामर्थ्य त्रिपाठी उर्फ सीताराम दास जी महाराज के साथ जुड़े हैं। अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो इसका जवाब जनता देगी। जनता सब जानती है कि किस तरह से सफेद पोश के नीचे भेड़िए दरिंदे छिपे हुए हैं, जो शासकीय जमीन निर्दोषों को अपराधी और अपराधियों को खुला संरक्षण देकर अपनी राजनीतिक रोटी और अपने अपराध को छुपा रहे हैं। स्थानीय नेता अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अपराधियों का संरक्षण देते हुए अपराधियों का उपयोग कर भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुकेन्द्र सिंह बन्ना ने मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर आपका बुलडोजर पंचर नहीं हुआ तो इन अपराधियों और अपराधियों को संरक्षण देने वालों के ऊपर चलाइए। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व विधायक श्री बन्ना ने अपने ही अंदाज में क्या चेतावनी दी है। प्रशासन भाजपा का हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरह से इनका चरित्र उजागर हो रहा है, ये कश्मीर की फिल्म दिखाते हैं नकली, आइए इनकी असली फिल्म है, ये आप सब देखिए और जनता को भी अब समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक राजनिवास का सवाल है तो राजनिवास में बड़े अधिकारी से लेकर के बड़े नेता के अलावा कोई किसी के नाम से कमरे बुक नहीं होते। मैं विधायक रहा, आज पूर्व विधायक हूँ, कभी धोखे से अगर हमने भी फ़ोन लगाया कि रूम की ज़रूरत है तो वहाँ से अधिकारियों का यही जवाब आया कि वो तो किसी विधानसभा अध्यक्ष, तो किसी पूर्व मंत्री या मुख्यमंत्री या कलेक्टर एसपी, इनके नाम से बुक है, कहिए तो हम कहीं और व्यवस्था करा दें, पर यहाँ पे नहीं है। मैं ये आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये रूम किसके नाम से बुक था? अपराधियों के लिए ये अड्डा बन चुका है इस तरीके का कि बेटी बचाओ अभियान चल रहा है, क्या हो रहा है इस तरीके की इतनी बड़ी घटना, इसमें तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए और इसमें कलेक्टर और एसपी दोनों सीधे दोषी, सबके फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं और सब देखिए कितनी बड़ी घटना, इनमें तो अपने आप सबको इस्तीफा देना चाहिए, शर्मसार होना चाहिए और अपने को कबूल करना चाहिए कि कितना बड़ा अपराध यहाँ पर हुआ। इससे बड़ी घटना तो मैं समझता हूँ कि एक नाबालिग लड़की के साथ आप एक राजनिवास में, जहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबको रुकने का ये अड्डा है, और वहाँ पे दुष्कर्म कराए जा रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, इससे बड़ी शर्मनाक बात तो मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं हो सकती। आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, शिवराज जी आ रहे हैं, सबसे पहले तो उनको जा करके राजनिवास झांकना चाहिए कि किस तरीके का हो रहा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि किसके नाम से ये रूम बुक था, कौन कौन इसमें साजिश है, कौन कौन अधिकारी इसमें लिप्त है, ये सब तमाम तरह की बात। स्वागत के बोर्ड लगे हुए हैं साधुओं के, संतों के, आयुक्तों के, भाजपा के जो मंत्री आते हैं उनके पीछे खड़े रहते, तो क्या मानते हैं कभी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी या कार्रवाई होनी चाहिए थी? कार्रवाई क्या होगी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की नकली फिल्म दिखाई जा रही है और ये असली फिल्म इनकी है। अब तो ये जनता देखे, रीवा की जनता देखे, मध्य प्रदेश की जनता देखे, भारत की जनता देखे कि ये
यही है, ये यज्ञ कराएंगे, भागवत कराएंगे, पूरी तरफ से इसी तरीके का कार्यक्रम इन सब का होता है। ये असली फिल्म इनकी सामने आई है। कहाँ है शिवराज का बुलडोजर? अब बुलडोजर, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब बुलडोजर दिखाएं, अब बुलडोजर चलवाएं, किसके किसके ऊपर चलाएंगे। मैं तो समझता हूँ कि जो इसमें मेन अपराधी हैं, जो इसमें सहयोगी अपराधी हैं, जो इसमें लिप्त हैं, जिनके साथ में फोटवे हैं, अगर ये शिवराज जी आज डोजर बुलडोजर चलवा दें तो मैं मान लूँगा कि जो डोजर बुलडोजर की बात कर रहे हैं वो सच है। ये इनका डोजर बुलडोजर तो सिर्फ गरीबों के झोपड़े उजाड़ने और जो छोटे मोटे अपराध करने वाले लोग हैं, और इनका एक हथियार बन चुका है कि इसी के दम पर मध्य प्रदेश की जनता को दबाने का काम करेंगे और अपने पक्ष में करने का दबाव बना करके, जिस समय देश आज़ाद जिस तरीके से अंग्रेज करते थे और भारत की जनता से गुलामी करवाए 300 साल, उसी तरीके से ये मध्य प्रदेश की जनता इस डोजर बुलडोजर के आधार पर करना चाहते हैं। और इनका डोजर बुलडोजर तो हम आज देखेंगे कि कितने अपराधियों के ऊपर जो गिरफ्तार नहीं हो रहे, आज डोजर बुलडोजर चाहे सीताराम बाबा हो, चाहे जो भी अपराधी हो, और जो अधिकारी कर्मचारी लिखते हैं उनके ऊपर डोजर बुलडोजर चला देंगे तो मैं मान लूंगा। राजनिवास में घटी घटना से हर माता पिता की रूह कांप उठी है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब अगर शासन प्रशासन को अपनी नाक बचानी है तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी होगी, जिससे कि दूसरी बार किसी मासूम की इज्जत सबसे सुरक्षित पॉस कॉलोनी कलेक्टर ADG SP बंगले से चंद कदम दूर सर्किट हाउस में तार तार ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए 24 न्यूज। नमस्कार।